हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली सीबीएसई ने पहला सर्कुलर जारी कर दिया है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई है सीबीएसई ने, किस तरह से वो एग्जाम कंडक्ट करने वाला है ये बताया है और आपका जो टाइम टेबल है वो कब रिलीज हो सकता है। तो टाइम टेबल के लिए सीबीएसई ने बताया है कि वो 18 तारीख को, मतलब 18/10 को वो रिलीज करने वाला है क्लास 10th एंड 12th के टर्म 1 का टाइम टेबल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके एक महीने बाद से एग्जाम स्टार्ट हो सकती है, मतलब करीब करीब 18 नवंबर से हो सकता है कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए। 18 नवंबर से 20 नवंबर के आसपास आपकी एग्जाम स्टार्ट हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब इस सर्कुलर में क्या बोला है वो समझते हैं हम लोग। यहाँ पे उसने बताया है कि जो 2021-22 वाला सेशन है उसमें क्लास 10th और 12th की जो एग्जाम है वो दो टर्म में डिवाइड की है सीबीएसई ने। पहला टर्म जो है वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और एग्जाम जो होगी वो 90 मिनट्स की होगी, लेकिन जो सेकेंड टर्म की एग्जाम है वो आपकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो सकती है, दोनों पे डिपेंडेंट रह सकती है। अगर कोविड-19 की सिचुएशन कैसी होती है उसको देखते हुए ये सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो पहले टर्म की एग्जाम है वो तो नवंबर दिसंबर के आसपास, मतलब अगले महीने से डेफिनेटली स्टार्ट होने वाली है और जो एग्जाम टर्म 2 की है वो मार्च अप्रैल के आसपास होना तय किया गया है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द माइनर सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड। अब देखिए, समझिए, यहाँ पे सीबीएसई ने क्या किया है कि जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। दो कैटेगरी कौन सी? माइनर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी एंड मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी। अब माइनर और मेजर सब्जेक्ट क्या है वो भी हम आगे जाके समझते हैं। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड, देयर आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ मेजर सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड, डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी रिलीज्ड ऑन 18/10/2021। देखिए, यहां पे आपको सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि आपका जो टाइम टेबल है, डेट शीट है, वो कितनी तारीख को रिलीज हो सकती है, वो 18/10 को रिलीज हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की जो सीबीएसई बात कर रहा है वो क्या है, तो ऑल द एग्जामिनेशन वुड कंडक्ट इन ऑफलाइन मोड। जितनी भी एग्जाम्स सीबीएसई कोशिश कर रहा है वो सभी ऑफलाइन मोड में करवाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एग्जाम जो होगी वो आपके स्कूल में हो सकती है या आपका स्कूल किसी सेंटर पे भेज सकता है आपको। तो ये चीजें रहेगी अब, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। सीबीएसई इज ऑफरिंग 114 सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th एंड 75 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th। मतलब अगर इन दोनों को देखा जाए तो दोनों के टोटल हो रहे हैं 189 सब्जेक्ट्स। तो अगर इनकी एग्जाम 189 सब्जेक्ट्स की एग्जाम अगर करवाई जाती है तो डेफिनेटली उसके लिए करीब करीब 40 से 45 दिन का समय, मतलब एक महीने से भी ज्यादा का समय लग सकता है। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि इतना ज्यादा टाइमिंग एग्जामिनेशन को नहीं दिया जा सकता, जिसके कारण सीबीएसई ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह से स्टूडेंट का लर्निंग लॉस हो। तो सीबीएसई ने ऐसा डिसाइड किया है कि जो भी सीबीएसई जो सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा है उसको उसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी और एक माइनर सब्जेक्ट की कैटेगरी। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मेजर सब्जेक्ट है वो तो सभी करीब करीब सभी स्कूल्स जो हैं सीबीएसई के उनमें मिलते ही हैं, जैसे साइंस, मैथ्स हुआ, कॉमर्स हुआ, ये सभी सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ये मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं उनके अंदर ये सब्जेक्ट्स रहते हैं, लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, जो लैंग्वेजेस होती है, या कुछ ऐसे होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमेशा हर एक स्कूल में नहीं होते हैं, तो उनको सीबीएसई हो सकता है कि माइनर सब्जेक्ट की कैटेगरी में डाले और उसकी जो डेट शीट होगी वो शुरुआत में करवाई जाएगी, एग्जाम शुरुआत में हो जाएगी उनकी। और वो कैसे होगी वो भी सीबीएसई ने बताया है कि रिगार्डिंग द माइनर सब्जेक्ट सीबीएसई विल मेक ग्रुप ऑफ स्कूल्स ऑफरिंग दीज सब्जेक्ट्स। देखो, माइनर सब्जेक्ट में क्या होने वाला है कि सीबीएसई क्या करेगा, ग्रुप ऑफ स्कूल्स बना देगा। ग्रुप ऑफ स्कूल्स कैसे, जैसे सपोज कीजिए कि ए बी सी स्कूल्स हैं जो एक कोई सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो इन स्कूलों की एक एग्जाम एक जगह पे हो जाएगी वन सब्जेक्ट को लेकर, और ई एफ जी ऐसे स्कूल्स हैं जो टू नंबर का सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो इनकी जो एग्जाम है वो सेम डे हो जाएगी किसी दूसरे सेंटर पे, मतलब एक ही दिन में वो अलग अलग सब्जेक्ट की एग्जाम लेगा अलग अलग स्कूलों को मिलाकर।
मतलब ग्रुप ऑफ स्कूल्स बना दिए जाएंगे, और ये जो ग्रुप है ए बी सी का, ये सब्जेक्ट वन का एग्जाम देने के लिए एक सेंटर पे जाएंगे, और डी ई एफ का एक ग्रुप रहेगा जो कि दूसरे सब्जेक्ट के एग्जाम देने दूसरे सेंटर पे जाएंगे। लेकिन कौन से माइनर सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? माइनर सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। माइनर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो भी हमको आगे सीबीएसई ने बताया है। तो यहां पे देखिए, उसने ये बताया कि इसका मतलब ये कि सेम डे पे एक से ज्यादा पेपर कंडक्ट हो सकते हैं। मतलब यहां पे हमने दो का एग्जांपल लिया, हो सकता है सीबीएसई माइनर सब्जेक्ट्स वाले 3 से 4 पेपर एक दिन में करवा दे। अब मेजर सब्जेक्ट में यहां पे क्लास, यहाँ पे मेजर और माइनर सब्जेक्ट की बात की तो मेजर सब्जेक्ट क्लास 10th के जो होंगे वो है हिंदी, स्टैंडर्ड मैथ्स, होम साइंस, हिंदी कोर्स बी, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैथमेटिक्स बेसिक्स। मतलब ये मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में सीबीएसई ने इन सब्जेक्ट्स को रखा है। सेकंड जो है वो है मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12th। तो क्लास 12th में मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो, वो ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब है माइनर सब्जेक्ट्स की बात। तो माइनर सब्जेक्ट्स जो है वो क्लास 10th के इतने सारे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है वो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट जो रहते हैं वो बेसिकली रीजनल एरिया में ज्यादा रहते हैं, तो उसी रीजन में उसी पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसका एग्जाम करवाया जा सकता है, दूसरी जगह पे दूसरे का करवाया जा सकता है। तो ऐसे एक दिन में बहुत सारे जो पेपर है वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं सेम क्लास के। अब ये देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो माइनर सब्जेक्ट में आते हैं क्लास 10th के लिए, और क्लास 12th के लिए भी यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट में जो आते हैं वो ये सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी को भी सीबीएसई ने माइनर सब्जेक्ट में डाला है क्लास 12th के लिए। और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ये नीचे आप दिखाई दे रहे होंगे आपको, और ये क्लियरली आप देख सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th के लिए। अब हम बात करते हैं डेट शीट के बारे में। सीबीएसई ने सर्कुलर में आगे बताया है कि डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th बोथ विल बी रिलीज्ड ऑन 18/10/2021। मतलब 18/10 को ये सीबीएसई जो है सर्कुलर जारी करने वाला है कि डेट शीट क्या रहेगी। डेट शीट आपकी फाइनली 18 तारीख को आ जाएगी। तो बच्चों इससे क्लियर होता है कि इसके ठीक एक महीने बाद ही एग्जाम स्टार्ट होगा। मतलब 18 से 20 तारीख के आसपास आपका जो है नवंबर में वो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो टर्म वन का एग्जाम है आपका, टर्म वन का एग्जाम वो 18 से 20 नवंबर, ज्यादा से ज्यादा हम देखें तो 22 नवंबर के आसपास आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए आप एग्जाम जो है टर्म वन का वो इतनी तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन। अब एग्जाम का जो ड्यूरेशन है, ये चीजें सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दी है, फिर भी हम एक बार इसको ध्यान रखते हैं कि 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन का। अब एग्जाम का जो टाइमिंग है उसमें सीबीएसई ने एक बड़ा सा बदलाव किया है, और वो क्या है कि 11:30 बजे, सुबह 11:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 10:30 बजे की बजाय। जो नॉर्मल एक टाइमिंग होता था सीबीएसई की हमेशा के एग्जाम्स का, वो 10:30 बजे से होता था, लेकिन क्योंकि नवंबर में विंटर सीजन रहता है, थोड़ा सा ठंड ज्यादा रहती है कई एरियाज में, इसलिए सीबीएसई ने ऐसा सोचा है कि 11:30 बजे से स्टार्ट करवाया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में एग्जामिनेशन को। क्योंकि 90 मिनट्स का है इसलिए 11:30 से आपको 12:30 1 बजे तक आपका एग्जाम जो है वो वैसे भी ओवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स। अब हमेशा जो है आपको 15 मिनट्स दिए जाते थे जो आपका पेपर होता था उसको पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे आपका पेपर पढ़ने के लिए। तो ये भी एक अच्छा मूव है सीबीएसई का, यहाँ पे आप बहुत सारा फायदा उठा सकते हो। क्या फायदा है हम इसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ पे जो पॉलिसी है फॉर CWSN कैंडिडेट्स, मतलब जो फिजिकली या चैलेंज्ड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो भी बेनिफिट्स होते हैं, पॉलिसी होती है, वो वैसे की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है वो आफ्टर द कंडक्ट ऑफ टर्म वन एग्जामिनेशन द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स स्कोर्ड विल बी डिक्लेयर। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या डिक्लेयर किया जाएगा, जो मार्क्स स्कोर्ड स्टूडेंट ने किए हैं वो ही डिक्लेयर किए जाएंगे, मतलब रिजल्ट जो होगा वो मार्क्स के फॉर्म में आएगा। No student will be placed in pass compartment essential repeat category after the term one examination। मतलब कोई भी student
पास कंपार्टमेंट एसेंशियल रिपीट, मतलब आपकी जो रिजल्ट शीट रहेगी उसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा कि पास है कि कंपार्टमेंट है कि एसेंशियल रिपीट है, सिर्फ आपके मार्क्स वहां पे दिखाई देंगे आप लोगों को, ठीक है। फिर फाइनल रिजल्ट जो है टर्म क्लास 10th और 12th का, वो कब डिक्लेयर होगा, वो आफ्टर द टर्म 2 एग्जामिनेशन डिक्लेयर होगा, मतलब आपके जो पूरी प्रॉपर जो रिजल्ट शीट है वो बनेगी आफ्टर द टर्म 2 एग्जामिनेशन, जो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट होगा टर्म 1 टर्म 2 का, और उसके अंदर आपको जो भी कंपार्टमेंट पास एसेंशियल रिपीट जो भी चीजें हैं वो उसके अंदर आपको फिर देखने को मिलेगी। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट असेसमेंट कैसे होगा, तो जैसा कि हमेशा से होता आया है कि प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन स्कूल बिफोर द टर्म वन एग्जामिनेशन आर ओवर, मतलब जैसे ही टर्म वन एग्जाम स्टार्ट होने वाली होगी या खत्म होने वाली होगी उसके पहले ही जो प्रोजेक्ट सबमिशन इंटरनल मार्किंग और प्रैक्टिकल है वो स्कूल में कंडक्ट करवाए जाएंगे, और मार्क्स अलॉटेड विल बी 50% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स अलॉटेड इन द मेंशन सिलेबस। देखिए जैसे कि अगर मैथमेटिक्स का सिलेबस हम देखें तो मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स का आपका टोटल होता है इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क आपके टर्म 1 में दिए जाएंगे और 10 मार्क आपको टर्म 2 में दिए जाएंगे, टर्म 1 में 10 मार्क्स और टर्म 2 में भी 10 मार्क्स दिए जाएंगे, तो अभी फिलहाल 10 मार्क्स ही आपको 20 में से मिलेंगे। और जैसे साइंस हुआ, साइंस में आपको 30 मार्क्स रहते हैं, जैसे साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर 30 मार्क्स रहते तो 15 मार्क्स जो है वो आपको टर्म 1 में दिए जाएंगे, टर्म 1 में 15 मार्क्स और 15 मार्क्स ही आपको दिए जाएंगे टर्म 2 में। तो इस तरह से आपका रिजल्ट प्रिपरेशन होगा। मार्क्स नीड टू बी अपलोडेड ऑन द लिंक लेटेस्ट बाय द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ टर्म वन एग्जामिनेशन, टर्म वन के एग्जामिनेशन के लास्ट डेट के पहले ही अपलोड करने पड़ेंगे स्कूल्स को, और जो भी कैसे अपलोड करना है क्या है वो सीबीएसई स्कूल को इन्फॉर्म कर देगा सेपरेटली। तो ये था पहला सर्कुलर जो कि सीबीएसई ने जारी किया है स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन तो इसके अंदर यही है कि जो आपका डेट शीट है वो 18 तारीख को रिलीज होने वाला है, तो बच्चों प्रिपेयर रहिए, आपकी एग्जामिनेशन 18 नवंबर के आसपास से स्टार्ट हो सकती है, 18 नवंबर के बाद ही होगी डेफिनेटली, और नवंबर दिसंबर में ये एग्जाम चलेगी। जो मेजर सब्जेक्ट की एग्जाम है वो आफ्टर 25 या हो सकता है कि उससे भी लेट स्टार्ट हो, मतलब आपको प्रिपेयर करने का काफी अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।